गाइस आज की वीडियो में आपके सामने यहाँ पे एक चार चैनल का एम्पलीफायर है और ये भाई स्पेशली मिक्सर पे चलेगा क्योंकि भाई को चलाने हैं इस पे टॉप और साथ में चलाना है बेस। बेस के लिए बंदा अलग से एम्पलीफायर यूज करेगा। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर है ये कस्टमाइज करके बनाया गया है। दो बोर्ड इसके अंदर लगे हुए हैं 400 400 वोट के, एक 400 वोट स्टीरियो उधर है, एक 400 वोट स्टीरियो इधर है। तो टोटल 4 चैनल का एम्पलीफायर है और स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे लगा दी गई है। सॉफ्ट स्टार्टर है, यहाँ पे है टोटल ट्रांसफॉर्मर जो कि अपना 45045 का है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रीएम्प देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मिक्सर से चलेगा। या फिर सामने वाला इसके अंदर क्रॉसओवर लगाने की भी बोल रहा था कि भाई मेरे को क्रॉसओवर यूज करना है अलग से, तो वो भी एक बंदा लगा सकता है। जो बोर्ड हैं 400 वोल्ट स्टीरियो के वो अपने वही हैं जो रेगुलर चलते हैं और इनके अंदर जो जो है वो सारा आप लोगों को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे हैं फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे दो पोटेंशियोमीटर दिए गए हैं। हालांकि इसमें होल और भी हैं, सामने फ्रंट में होल नहीं है, फ्रंट में सिर्फ दो ही होल हैं और ये गेन के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये व्यू मीटर यहाँ पे लग जाएगा और पीछे के जो वायर वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इनपुट के लिए जो माइक सॉकेट सी होती हैं इनके अंदर इसके कनेक्शन करे गए हैं। आउटपुट के लिए यहाँ पे चार बनाना कनेक्टर तो इधर हैं, तो यानी कि दो आउटपुट यहाँ से मिलेंगी और दो आउटपुट नीचे जो स्पीकॉन वायर हैं उनसे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद कूलिंग के लिए यहाँ पे फैन लगे हुए हैं जो कि एसी फैन है और ये सीधा अपना 220 230 वोल्ट पे काम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है और इसकी साउंड टेस्टिंग और जो टेस्टिंग रहेगी जब बंदे के पास एम्पलीफायर पहुंच जाएगा उसके बाद हम टेस्टिंग वीडियो उससे मंगवा लेंगे और फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप लोग फिर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई कुछ कस्टमाइज करके एम्पलीफायर बनवाना है अपने हिसाब से तो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा एम्पलीफायर।